तो हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे। तो दोस्तों, वीडियो कुछ दिन बाद आ रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल आपने देख लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा फ्लिपकार्ट से रिलेटेड है। फ्लिपकार्ट पर आप किस तरीके से अपने ऑर्डर को और अपने प्रोडक्ट को, जो भी आपने ऑर्डर किया है और जो आपके पास आ चुका है, आप उसे रिटर्न किस तरीके से कर सकते हैं, आज की वीडियो पर आप सीखने वाले हैं। तो वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथ साथ खास है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना बिना स्किप किए। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, यदि आप लोग चैनल पर नए हो या चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो, ऐसा कॉन्टेंट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता था आपको कि मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोड की है, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं नया तरीका। तो आज की वीडियो पर हम जो है नए तरीके से आपने जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, आपको अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ सिंपल सा आपको अपने ऑर्डर्स पर क्लिक करना है। थोड़ा सा वीडियो में शोर आ रहा है, मतलब आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे जो मैं जहाँ वीडियो बना रहा हूँ खड़े होकर, यहाँ काफ़ी जो है पब्लिक सोर्स है, इसलिए आपको थोड़ा सी तकलीफ हो जाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ आने के बाद देखिए इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब सिंपल से मैंने यहाँ से एक प्रोडक्ट को ऑर्डर किया था, मान लीजिए मैंने इस साइट को जो है ऑर्डर किया था, ये मेरे को मिल चुका है और मैं इसे अब रिटर्न करना चाहता हूँ, ये मेरे को पसंद नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम मुझे हो रही है, तो मैं इसे रिटर्न किस तरीके से करूँगा जिससे कि मेरे सभी जो है आसानी से रिटर्न हो जाए और मुझे आगे कोई प्रॉब्लम ना देखने को मिले। तो उसके लिए आपको देखिए रिटर्न ऑप्शन तो आपकी आंखों के सामने ही दिख रहा है। तो कुछ लोग जल्दी जल्दी करके इसको रिटर्न कर देते हैं, बाद में उनके पैसे फंस जाते हैं और उनका अच्छे तरीके से रिटर्न नहीं हो पाता और फिर उन्हें प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। इसलिए मैं बोल दिया हूँ कि वीडियो आप लोग कंप्लीट वॉच करना है। तो आपको रिटर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा, रीजन फॉर रिटर्न, मतलब कि ये मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है ये प्रोडक्ट आप किस रीजन से जो है रिटर्न कर रहे हैं, तो आपको सही यहाँ रीजन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ कोई सा भी एक रीज़न आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहती, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम हो रही है आप वो दें तो आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप यहाँ से एक रीज़न को सेलेक्ट करते हैं, मोर डिटेल्स पर आप यहाँ से और सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर कमेंट पे जो आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ से लिख देते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ प्रॉब्लम लिख देता हूँ आपको बताने के लिए। यहाँ से बताने के बाद देखिए इस तरीके का इंटरफेस आएगा। मैं यहाँ सीधे कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हो तो देखिए अब ये एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है एरर वाला। अब ये एरर क्यों हो रहा है? तो एरर दोस्तों इसलिए हो रहा है कि आपने रीजन कुछ और चुना है और मोर डिटेल्स पर कुछ और लिखा और कमेंट पर आपने कुछ और लिखा है, इस कारण से ये आपको एरर, ये नया अपडेट है फ्लिपकार्ट का, इसलिए आपको ये एरर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको सिंपल सा जो रीजन आप सेलेक्ट कर रहे हो सबसे फर्स्ट पे उसको सेकंड पे भी करना है उसी से रिलेटेड, और कमेंट पर भी आपको वही उसी प्रकार से लिखना है। अब यहाँ से मैंने प्रोडक्ट मिसिंग लिख दिया, तो आपको मेरे को यहाँ जो है यहाँ से मिसिंग वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से भी हमें जो जिस मतलब जो भी मिसिंग हो रहा है हमें वो सेलेक्ट करना है और यहाँ से हम जो है कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना है, अभी एरर मांग रहा है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि शोर हो रहा है, तो वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा क्योंकि आवाज़ हम मेरे यहाँ जो है ज़्यादा ही हो रहा है। तो आपको इस तरीके से जो है ये सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपका सिंपल सा तरीका है, कंटिन्यू करोगे सबमिट वाला आइकन आएगा और जिस मतलब बैंक में यदि आप गिफ्ट कार्ड में पैसे लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में मात्र आपको ये एरर वाला ही समझाने वाला था कि आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। काफ़ी लोग को पता नहीं होता और उनकी डिलीवरी डेट जो निकल जाती है रिटर्न डेट, रिटर्न पॉलिसी की, वो अपने प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं कर पाते। तो मैंने कंप्लीट बता दिया कि आपको सही रीजन सेलेक्ट करना है और सही कमेंट बॉक्स पर भी अपना फीडबैक सेंड करना है। तो आई होप जो मैंने इस वीडियो पर आपको बताया और समझाया आपको समझ पर आया होगा। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा कुछ हेल्प मिली हो या कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो, ऐसा कॉन्टेंट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।